हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। और दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर में अगर आप वीडियो बनाते हो तो आज के टाइम पे आपको कैटेगरी फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले एक ऐसा टाइम था ना जहाँ पे आप कुछ भी यूट्यूब पे बना करके डालते थे तो वो मोनेटाइज हो जाता था और वहाँ से आप अर्निंग कर पाते थे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होता था। लेकिन अभी यूट्यूब का जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है वो पूरा का पूरा बदल गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अगर आप उस टॉपिक पर वीडियो बनाते हो तो हो सकता है आपका यूट्यूब चैनल कभी मोनेटाइज नहीं हो। तो आज दोस्तों यहाँ पे मैं पूरा का पूरा एक लिस्ट जो है वो लेकर के आ गया हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे कैटेगरी हैं जिसपे अगर आप वीडियोस बनाते हो, जिसपे आप अगर सोच रहे हो कि मैं चैनल बनाऊं तो आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा, और साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे कैटेगरी हैं जिसको आप अगर जिस टॉपिक पर वीडियो बनाते हो तो उसमें आपका यूट्यूब चैनल बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं होगा। तो सब कुछ दोस्तों बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो में आगे तक जरूर बने रहिएगा। और साथ ही साथ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पे कुछ बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं जो पहले अलाउ नहीं थे, आज के टाइम पे वो अलाउ हैं। तो क्या क्या है, सबसे पहले मैं यहां पे बताता हूं क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिससे कि आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अभी देखिए, सबसे पहला इसमें आता है यूजिंग क्लिप्स फॉर रिव्यू, यानी कि अगर आप कोई मतलब ऐसा चैनल बनाते हो जिसमें आप मूवी का रिव्यू देते हो या फिर किसी यूट्यूब वीडियो का ही रिव्यू देते हो तो उसमें जो क्लिप्स आप यूज करते हो ना वो आप आराम से यूज कर सकते हो। आप अगर कोई भी क्लिप को यूज करके उसमें अपना रिव्यू देते हो तो उस टाइप का चैनल अगर आपका है तो वो इजीली मोनेटाइज यहां पे हो जाएगा। दोस्तों दूसरी बात करते हैं सीन ऑफ मूवी डायलॉग और वॉइस ओवर। आपने बहुत सारे मतलब चैनल्स देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर में जिसमें कि क्या करते हैं, मूवी के बहुत सारे सीन को लेते हैं और उसमें वॉइस ओवर करते हैं, मतलब कि कॉमेडी के लिए इस टाइप का वीडियो बनाया जाता है। जो उसमें डायलॉग रहता है वो डायलॉग को चेंज करके कॉमेडी पर्पज के लिए इस टाइप के जो मतलब वीडियोस हैं, इस टाइप के जो चैनल्स हैं वो बनाए जाते हैं। तो अगर आप चाहो तो ये भी चीज कर सकते हो, किसी भी मूवी का सीन सिंपली आप उठा करके उसमें वॉइस ओवर करके उसको डायलॉग को चेंज करके मतलब सिंपली आपका क्रिएटिविटी वहां पे दिखे तो उस टाइप का चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा। अब यहां पे दोस्तों तीसरा जो है वो है स्पोर्ट्स स्पेशल मूव, क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे लोग जो हैं वो क्रिकेट वगैरह के ऊपर में वीडियोस बनाते हैं और वो करते क्या है कि पूरा का पूरा क्रिकेट का जो वीडियो है वो टीवी से रिकॉर्ड करके चाहे कहीं से भी रिकॉर्ड करके डाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, अगर आप इस टाइप का चैनल बना रहे हो तो जो स्पोर्ट्स में मतलब मान लो स्पेशल मूव्स है, जैसे कि कहीं पे मान लो विराट कोहली ने छक्का मारा तो वहाँ पे छक्का वाला जो स्पेशल मूव्स है उसके ऊपर में आपको कमेंट्री करना है, अगर इस टाइप का आप बनाते हो तो आपका यहाँ पे मतलब चैनल जो है वो मोनेटाइज जरूर होगा। उसके बाद में दोस्तों चौथे नंबर की बात करें तो वो है रिएक्शन वीडियो, यानी कि किसी गाने के ऊपर में आपने देखा होगा बहुत सारे जो मतलब वीडियोस आते हैं गाने वगैरह के, उसके ऊपर में लोग रिएक्शन देते हैं। तो इस टाइप का अगर आप चैनल बनाते हो जिसमें कि पूरा का पूरा गाना चल रहा होगा पीछे और आप उस पर रिएक्शन दे रहे हो तो यहाँ पे इस टाइप का चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों लास्ट बात करते हैं पांचवें नंबर की, जो कि है फुटेज ऑफ अदर क्रिएटर और कमेंट्री, मतलब कि किसी भी क्रिएटर का, जैसे मान लो मैं एक यूट्यूबर हूँ और भी बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उनका अगर आप कोई फुटेज लेते हो और अगर आप अपने मतलब चैनल पे अपने वीडियो में डालते हो और उसमें कमेंट्री करते हो तो उस टाइप का भी चैनल दोस्तों यहाँ पे मोनेटाइज हो जाएगा। चलिए ये हो गए अलाउड की बात, मतलब क्या क्या चीज़ें अलाउ है आज के टाइम पे, और बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें हैं जो अलाउ नहीं है तो इसके लिए भी आपको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले इसमें आता है दोस्तों कि शो क्लिप्स एडिटेड विथ नो चेंज, यानी कि बहुत सारे जो टीवी शोज हैं उसका आप कोई क्लिप उठा करके डाल देते हो, एडिट करके डाल देते हो और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हो तो इस टाइप का जो चीज़ है वो टोटली अलाउ नहीं है, जो कि सबसे पहला था। दूसरे की बात करूँ दोस्तों तो वो है शॉर्ट वीडियोज़ फ्रॉम अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मतलब कि नॉर्मली यहाँ पे बात करें टिकटॉक की तो दूसरा नंबर पे है कि अगर आप किसी भी मतलब अदर मीडिया प्लेटफॉर्म का, जैसे फेसबुक का हो गया, टिकटॉक का हो गया, लाइकी का हो गया और भी जो बहुत सारे मतलब शॉर्ट वीडियोस होते हैं, अगर आप उसको ज्वाइंट करके यूट्यूब पे डालते हो तो यहाँ से आप बिल्कुल भी उम्मीद मत रखो कि आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा। इस टाइप का चैनल बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं होगा, क्लियरली यहाँ पे यूट्यूब ने बोल दिया है। दोस्तों थर्ड की बात करूँ तो कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स और चेंज ऑफ स्पीच, आपने देखा होगा बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं वो क्या करते हैं डीजे का चैनल बनाते हैं, उसमें वो क्या करते हैं बहुत सारे सॉन्ग्स में उसके मतलब पिच को चेंज कर देते हैं, उसमें अलग अलग से म्यूज़िक ऐड कर देते हैं, डीजे वगैरह के साउंड्स को ऐड कर देते हैं तो इस टाइप का जो चैनल है वो बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं होगा। अगर आप सॉन्ग वाले चैनल बना रहे हो जिसमें आप कहीं के भी सॉन्ग को उठा करके डाल देते हो तो इस टाइप का चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। उसके बाद में दोस्तों चौथे नंबर की यहाँ पे बात करते हैं तो अपलोड मैनी टाइम्स, मतलब कि जैसे मान लो आपका दो तीन चैनल है और सेम वीडियो को आप
हर एक चैनल पे अपडेट अपलोड कर रहे हो, तो इससे क्या होगा कि इस टाइप का भी चैनल आपका मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब वाले देखते हैं कि एक जो वीडियो है वो टोटली और अलग अलग चैनल पे है। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो ये टाइप का चैनल भी मोनेटाइज आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद में दोस्तों पांचवें नंबर की बात करूं तो पांचवा जो नंबर है वो है प्रमोशन ऑफ अदर क्रिएटर्स। मतलब अगर आप किसी भी क्रिएटर्स का प्रमोशन कर रहे हो या फिर किसी ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हो डायरेक्टली, मतलब उसमें आपका कोई भी वॉइस ओवर नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली आप उनके किसी वीडियो को उठा करके डाल दिए या आकर के आप किसी यूट्यूब चैनल को डायरेक्टली प्रमोट कर रहे हो, तो इस टाइप का भी जो मतलब कंटेंट है वो कभी भी आपका मोनेटाइजेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। इस टाइप के वीडियोज कभी भी मोनेटाइज नहीं होंगे। अब दोस्तों यूट्यूब ने इतने सारी चीज़ों को तो बता दिया, साथ में नीचे में एक नोट करके जो है वो भी लिखा हुआ था यहाँ पे। जब मैंने इसको पढ़ा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे यूट्यूब ने ये चीज़ अलाउ कर दिया है कि आप किसी के भी कंटेंट को उठा के डाल सकते हो, उसमें आप कमेंट्री कर सकते हो, उसमें आप रिएक्शन दे सकते हो, इससे यूट्यूब को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके उस टाइप के वीडियोज जो है वो बिल्कुल मोनेटाइज हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब ने ये भी बोला है कि अगर मान लो आपको बाई चांस स्ट्राइक मिलता है तो उसकी जिम्मेदारी यूट्यूब की नहीं होगी। मतलब कि अगर मान लो आपने मेरा कोई वीडियो लिया और उसको आप डाल देते हो अपने यूट्यूब चैनल पे, साथ में आप एडिटिंग करते हो मेरे मतलब चीज़ों को, मैंने जो बोला है उसमें आप वॉइस ओवर करके कुछ अलग सा क्रिएट कर देते हो उससे, और अगर वो चीज़ मुझे दिख जाता है और मैंने उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक डाला, तो यहाँ पे यूट्यूब इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, वो स्ट्राइक यहाँ पे नहीं हटने वाला है। तो बिल्कुल आपको ध्यान से काम करना है, किसी का अगर आप कंटेंट को लेते भी हो तो इस तरह से लो, साथ ही साथ उसको मतलब कुछ गंदे वे में मत दिखाओ, ऐसा मत करो जिससे कि वो क्रिएटर को हर्ट, ठीक है। तो इस टाइप से आप आराम से यूज कर सकते हो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और आगे चल के अगर आप चैनल बनाने वाले हो तो ये सभी चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप बिल्कुल अपने चैनल को मोनेटाइज भी कर पाओगे और अच्छे से ग्रो भी कर पाओगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप जाकर के कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। सो बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।